हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे वट सावित्री मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। और ऐसा कहते हैं कि वट सावित्री पे पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, तो बस मैंने 16 श्रृंगार किया है इस लुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, मेरी मेहंदी आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सिंपल सी। सबसे पहले मैं स्किन केयर करूंगी। स्किन केयर करने के बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, लैक्मे का पीच मिल्क। मॉइस्चराइजर लगाना भी आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक ये जो है स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। और प्राइमर जो है बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में लेंगे और डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाएंगे। बहुत ज्यादा प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, जो हमारा मेकअप होता है बहुत ही स्मूथ हो जाता है, जो एप्लीकेशन होता है मेकअप का वो स्मूथली जो है हमारे स्किन पे स्किन को ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ बना देता है प्राइमर। इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से फेस पे। इसके बाद मैं काजल ले रही हूँ और अब आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। आई मेकअप के लिए अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप सिंपल सा ये वाला आई लुक क्रिएट कर सकते हो। इसमें काजल लेंगे और काजल को अपने ऊपर के जो लैश लाइन है, नीचे के लैश लाइन और वाटर लाइन पे अप्लाई कर लेंगे थोड़े थोड़े अमाउंट में ही। और इसके बाद जस्ट छोटा सा एक ब्रश लेंगे और ब्रश से स्मच करते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे एक तरह से, और धीरे धीरे करके ही आपको ब्लेंड करना है। देन मैं यहाँ से ब्राउन शेड ले रही हूँ, जो कि जैकलिन मॉर्फी का आई शेडो पैलेट है। इसमें से मैं ब्राउन शेड लेके पिक करूंगी और अपने ओवर क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करूंगी दोनों ही शेड को, ब्लैक एंड ब्राउन को। और ये नॉर्मल सा आई लुक है जो कि कोई भी क्रिएट कर सकता है। देन मैं इसके बाद से व्हाइट कलर का एक शिमर शेड है उसको लूंगी और ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अच्छे से उसी ब्राउन एंड व्हाइट शेड को मिक्स कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा आई लुक क्रिएट हुआ है। इसके बाद मैं आई लाइनर लगा रही हूँ यहाँ पे, और मैंने फॉल्स आई लैशेज भी लगा लिए हैं। आपकी मर्जी है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज स्किप कर देना। और इसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ, तो लोअर लैश लाइन पे भी एंड अपर लैश लाइन पे दोनों जगह मैंने लाइनर लगा लिया है। स्मूथ छोटा सा बिल्कुल पतली सी लाइन ड्रॉ की है। ये देखिए, ये आई लुक कंप्लीट हो गई हमारे यहाँ पे। इसके बाद अब हम फेस मेकअप पे आ जाएंगे दोबारा से। और मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का, और इसको लगाऊंगी। बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है और ईजिली जो है वो ब्लेंड हो जाता है, तो ब्लेंडर की हेल्प से ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी फाउंडेशन को। तो फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड कर लेंगे और बिल्कुल सिंपल सा ही लुक मैंने इसमें दिया है, जस्ट क्योंकि आई का जो मेकअप है बिल्कुल न्यूड मेकअप किया है मैंने आई का। और इसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर से जितने भी हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहां पे अप्लाई कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं ब्राउज को थोड़ा सा आसपास के एरिया में, क्योंकि ब्राउज इससे क्या होता है ना, बहुत उभर के आते हैं। तो ये मैं कंसीलर अप्लाई कर लूंगी। तो अगर आपके जितने भी ब्लेमिशेस हैं, दाग धब्बे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो छुप जाती हैं। और डे टाइम का ये पूजा होती है डे टाइम की, तो इसमें अगर ज्यादा मेकअप ना करें तो ही अच्छा होता है। ऊपर से ये गर्मियां भी हैं, तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा मेकअप, और कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो आप घर में ही ऐसे रेडी हो सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट ले रही हूँ कलर एसेंस का, और बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है ये। जब भी मैं लगाती हूँ इसका शेड वगैरह बहुत प्यारा है, तो इससे स्किन ना बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। मेकअप को सेट करना भी बहुत जरूरी है, तो अच्छे से आप इसको सेट करेंगे कॉम्पैक्ट से, अपने फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। नेक एरिया को स्किप नहीं करना है अच्छे से। फिर ब्रश की हेल्प से भी मैं अच्छे से इसको सेट कर लूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रोज को फिल कर लूंगी, जितने भी गैप्स हैं उनको अच्छे से फिल करके एंड स्पूली की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे आईब्रोज को। तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा। अब आईब्रोज वगैरह भी स्किप नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। ब्लश के लिए मैंने इसी पैलेट से जस्ट पिंक टोन लेके एक शेड था वो मैंने पिक किया है, एंड ब्लश अप्लाई कर लूंगी यहाँ पे। तो ब्लश भी अच्छे से लगा लूंगी, बिल्कुल लाइट सा ही ब्लश लगाना है, ज्यादा हैवी सा नहीं लगाना है। इसके बाद मैं हाइलाइटर ले रही हूँ सिवाना का, और इसमें से जो हाइएस्ट पॉइंट्स हैं वहां पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। तो ब्राउ बोन पे कर लूंगी एंड चिक बोन पे कर लूंगी, और नोज ब्रिजेस ऑफ द नोज पे, एंड जो हमारे फोरहेड हैं, चिन एरिया है, क्यूपिड बोन है, वहां पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा ले रही हूँ, एंड जस्ट लोअर लैशेस पे मैं मस्कारा अप्लाई कर लूंगी
आप देखिए बहुत ही प्यारा लुक आता है, और इसको भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी बहुत प्यारा लुक आ जाता है। इसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ आई एम्स्टरडैम की लिपस्टिक है, ये लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही प्यारा सही शेड है इसका, बिल्कुल मेरी साड़ी से मैच करता हुआ। और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लुक कैसा लगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लुक कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको एडवांस में हैप्पी व्हाट्सएप।